हेलो, आई एम दिव्या फ्रॉम टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। सो स्विच स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट्स बेस्ड ऑन द different value of an expression or variable। जब आपके पास एक ही variable की बहुत सारी values हों और हर value के आधार पर आपको अलग अलग statement को execute करना हो, तो आप किसका use कर सकते हैं? Switch statement का use कर सकते हैं। तो कैसे? इसमें एक और point है कि when a variable has different value and different statement has to be executed but only one condition will be true at a single time। एक बार में सिर्फ एक ही कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। बहुत सारी कंडीशन दी हुई है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मंथ है। सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स हम लोग देखते हैं, फिर हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले स्विच इसमें लिखा जाता है, जैसे इफ में कंडीशन किस कहाँ दी जाती है? इफ लिखने के बाद, यहाँ पे स्विच लिखने के बाद, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन का मतलब कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, या वेरिएबल का नाम यहाँ पे दिया जाता है और इसका कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं। और इसमें मल्टीपल क्या बनाए जाते हैं? केस बनाए जाते हैं। तो केस बनाने के लिए केस नाम के कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा केस, कि हर केस की एक वैल्यू होती है, वो यहाँ पे लिखी जाती है वैल्यू और कॉलन। और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद लगाते हैं हम ब्रेक कीवर्ड। ऐसे ही आप अलग अलग वैल्यू, अलग अलग केस बना सकते हैं और अलग अलग वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल केसेस आप बना सकते हैं। लास्ट में आप अगर चाहें तो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी इसमें होता है जिसका यूज आप कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको समझ आ जाएगा जैसे ही हम लोग एग्जांपल बनाएंगे तुरंत। अब देखिए कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। स्विच के बाद लिखा जाता है वेरिएबल और उसके बाद उसकी अलग अलग केसेस बनाते हैं और वैल्यू लिखते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए, इसमें से मैं ये हटा देती हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको क्या करना है कि आपके पास एक मंथ दिया हुआ है, आपके पास एक इंटीजर टाइप का मंथ दिया हुआ है, उसकी एक वैल्यू दी हुई है और आपको ये निकालना है कि ये जो मंथ है वो कौन सा है। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन मंथ की कोई एक ही तो वैल्यू सही होगी एक बार में। तो हमने क्या किया कि स्विच के अंदर हमने डाल दिया किसको? मंथ को। स्विच के अंदर हमने डाल दिया मंथ को और उसके बाद हमने इसका केस बनाया। कितने केस बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि इस वेरिएबल की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है? 12। तो हमने पहला केस बनाया। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि मंथ कौन सा हो, जनवरी हो, पहला हो, तो उसका मतलब क्या है कि जनवरी है। तो हमने लगाया केस 1 कॉलन, यहां पे हमने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहां हमने प्रिंट करा दिया जनवरी, यहां हमने प्रिंट करा दिया जनवरी और इसके बाद हमने लिखा ब्रेक। अगर आपके पास और भी लाइंस हैं तो आप उसको यहां पे इस नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं केस और ब्रेक के अंदर। अब देखिए कैसे ये रन होता है। सबसे पहले जो आपने यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये उसकी वैल्यू पता करता है। जैसे आपने लिखा है मंथ, तो ये मंथ की वैल्यू पता करेगा कि अभी इसके ऊपर मंथ की वैल्यू क्या है? 4 है। अब ये क्या करेगा कि उस केस को खोजेगा जिसके आगे क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है।
तो जिस केस के आगे की वैल्यू मैच करती है इसकी वैल्यू से, उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि क्या होगा, उसका ब्लॉक का मतलब कॉलम से लेके ब्रेक के ऊपर तक का, ये उसका ब्लॉक है। अगर मंथ की वैल्यू 1 होती तो ये वाला केस सही होता और जनवरी रन होता। अभी अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मंथ किसी से सही नहीं हुआ। अभी हम इस मंथ की वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो क्या होगा, हमें क्या प्रिंट होके मिलेगा, हमें प्रिंट होके मिलेगा, ये देखिए यहाँ हमें मिल रहा है जनवरी। ऐसे ही हमने दूसरा केस लगाया, हमने यहाँ लिखा केस 2 कॉलन, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया system.out.println और इसमें हमने प्रिंट करा दिया फरवरी। फरवरी अब उसके बाद हमने लगाया है, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइन है तो हमने लगा दिया ब्रेक। हमने अभी दिया है 1 तो क्या प्रिंट करेगा, जनवरी। हमने इसकी वैल्यू कर दिया 2 तो ये क्या प्रिंट करेगा, फरवरी। हमने इसकी वैल्यू कर दिया 3 तो क्या प्रिंट करेगा, तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए कोई भी केस सही ना हो तब क्या होगा, उसके लिए आप एक डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं, जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं लिखी जाती, सिर्फ लिखा जाता है डिफॉल्ट और इसका स्टेटमेंट। जब कोई भी केस सही नहीं होगा तब क्या प्रिंट होगा, तब क्या क्या एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम पे ये डिफॉल्ट रन होता है। तो हमने यहाँ लिखा है इनवैलिड मंथ नंबर और इसके बाद हमने लिखा ब्रेक। तो अब क्या होगा कि अगर अभी हमने दिया मंथ की वैल्यू 3 तो ये क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड मंथ नंबर। अगर हम केस 3 बनाए होते तो ये प्रिंट करता मार्च, या फिर जो आप प्रिंट कराए होते वो। तो एक और कंडीशन इसके साथ है, इस नोट में हमने लिखा कि स्विच स्टेटमेंट ओनली वर्क्स फॉर इंटीजर एंड कैर टाइप वैल्यू। सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर के लिए वर्क करता है, बाकी किसी और दूसरे डेटा टाइप के लिए वर्क नहीं करता। मतलब इसका यह है कि स्विच के साथ जो ये आपने वेरिएबल का नाम या जो भी लिखा वो की, तो इंटीजर टाइप का होगा तब काम करेगा, या कैरेक्टर टाइप का होगा तो काम करेगा। सो ये स्विच स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, मीन्स इटरेशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।